ओम सभी को राम राम। राम राम सर। तो साथियों आज हम पहुंचे हैं जोधपुर जिला की जो तहसील पड़ती है बिलाड़ा। तो कुछ किसान भाई हमारे साथ में जुड़े हैं और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी यहां पर हैं। तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे सभी से कि छोटा संक्षेप में कि वो उनको खिला रहे हैं क्या, उसका रिजल्ट मिलता है, कौन सा पशु आहार खिलाते हैं। तो इसमें आप बाबूजी आप कुछ कहना चाहेंगे, पतंजलि पशु आहार आप भी यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो अच्छा कैसे है ये बताओ। अच्छा तो ये है कि जो यूरिया न होने की वजह से पशु कमजोर नहीं, पशु कमजोर नहीं होता। या मैन समस्या तो ये है पशु कमजोर नहीं, टाइम तक दूध भी देता है, दूध ज्यादा खिलाएगा तो ज्यादा देगा, लेकिन वो शरीर का संतुलन बराबर रहता है। देखो बाबूजी ने कितनी अच्छी बात बताई कि हमारा जो मतलब पतंजलि ग्राम उद्योग न्यास एक पहली संस्था है भारत के अंदर जिन्होंने, आज हमें लगभग 11 साल होने जा रहे हैं इस संस्था को काम शुरू किए हुए पशु आहार का। तो ये केवल स्वामी जी का एक उद्देश्य था और श्रद्धेय गुरु जी का कि हम किसान तक विदाउट यूरिया मतलब यूरिया रहित पशु आहार भेजें, है ना। तो उसी पर हमारा कार्य चल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि देर सवेर थोड़ा रिजल्ट में वो रहे, क्योंकि आजकल मैक्सिमम कंपनियां क्या कर रही हैं, जैसे बाबूजी ने बता दिया कि कुछ भी गलत तरीके से बनाया और खिला दिया, नाम हम किसी का नहीं लेंगे। हाँ। उसका उसका कुछ टाइम के लिए क्या होता है, कुछ समय के लिए किसान को लगता है कि भाई एकदम से दूध बढ़ गया है। हाँ। लेकिन वो उसके लिए खराब है, खराब है उसके लिए। दूध बढ़ता है तो दूध बढ़ने का टाइम क्या होता है, कोई भी पशु आहार चेंज करते हैं 10 से 12 दिन लगते हैं वो सही, अगर सही क्वालिटी उसकी बनी है 10-12 दिन में आपको पता लग जाएगा कि पशु आहार की क्या गुणवत्ता है। और एक हमेशा ध्यान ये रखना चाहिए, अगर आपको ये देखना है कि हमारे पशु आहार में कोई गलत चीज़ तो नहीं मिली हुई, एक तो क्या करेगा कि वो एकदम से बढ़ेगा और जैसे ही आप उसको बंद करोगे तुरंत दूध डाउन आ जाएगा। तो हमारे पतंजलि पशु आहार में ऐसा नहीं है, दूध भी धीरे धीरे बढ़ेगा और जब आप उसको अगर बंद भी करते हो तो धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं मिलाई गई है। देखो जो नेचुरल सोर्स से आ रहा है, ठीक है, उसको तो हम हटा नहीं सकते, क्योंकि इसमें मक्का भी डल रहा है, इसमें खले भी डलती हैं। खेत में क्या है कि मक्का कहाँ से आ रहा है, खेत से आ रहा है, तो किसान तो उस पर स्प्रे करता है, तो वो छोटा माइनर अगर कोई उसमें कण आता है तो वो केवल क्रॉप के हिसाब से आता है, लेकिन हम उसमें मिलाते नहीं अलग से। तो इसलिए हमने उस पर लिखा हुआ है कि विदाउट एडिड यूरिया जितने भी हमारे बैग है। ये हमारे जो बाबूजी है इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि पतंजलि का पशु आहार इसलिए खिला रहे हैं कि यूरिया रहित भी है, पशु कमजोर नहीं होता है, समय पर रेट में आएगा, गाभिन रुकेगा, अगले साल एक बच्चा देगा।